से कांग्रेस आगे है, अभी जो खबर मिल रही है अभी तक के रुझान के लिहाज से कांग्रेस आगे निकल गई है। हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे देखिए, ध्यान ये दीजिएगा, अभी जो भारत समाचार आपको जानकारी दे रहा है ये बैलेट पोस्टल के आधार पर ही है अभी तक के रुझान के मुताबिक। चार सीटों पर कांग्रेस, तो बहुत बड़ा अंतर है। हमारा जो वहां लक्ष्य है 75 पार करने का, तो वही परिणाम सामने आएगा। सर इसके पीछे की वजह मोदी फैक्टर माने या मोदी मैजिक? बिल्कुल, मोदी फैक्टर और मोदी मैजिक दोनों एक ही है। और इसके साथ ही साथ हकीकत तो ये है कि अब देश में साहसिक निर्णय लेने वाली क्षमता पैदा हो चुकी है हमारे नेताओं में, और वह एक प्रभावी भूमिका रहेगी उसकी। धारा 370 के बाद, तीन तलाक बिल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा था, तो क्या आप लोग की स्ट्रेटजी जनता के बीच जाने की रही थी, जो आप लोग शुरुआती रुझान जो है जिस तरह के आ रहे हैं? देखिए, 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, ये तो जनता के बीच से ही निकला हुआ मुद्दा था, इसलिए जाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। लोग स्वयं ही इसको आत्मसात किए हैं, उनको ये विश्वास ही नहीं था जनता को कि ऐसे डेयरिंग डिसीजन हो सकते हैं, पर ये मोदी जी थे, अमित शाह जी थे जिन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। तो इसके लिए जनता के बीच में जाने की बात नहीं, जनता तो का तो स्वयं ये जनता की आवाज़ थी। सर कल अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। पस्त हो गए हैं, हालत खस्ता हो गई है और सारे प्रयास उनके विफल हो चुके हैं, हताशा और निराशा की उनकी स्थिति। ऐसे में इस प्रकार की बातें जरूर निकलती है, लेकिन वक्त आने दीजिए, ये किसके किसके दरवाजे पर जाएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अवैध संस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यही मानना है कि मोदी मैजिक लगातार बरकरार है और उसी के वजह से शिवसेना और भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बनना तय है, ये कह रहे थे। और उनका कहना यह भी है कि हरियाणा में भी कोई उतार चढ़ाव होने नहीं जा रहा है।